हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस रिव्यूज में। आज हम लोग बात करेंगे कोई जाने ना के गाने हरफन मौला के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हरफन मौला ये गाना अभी थोड़ी देर पहले टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है। और गाने की बात करने से पहले मैं आप सभी के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि इस गाने से पहले मुझे पता ही नहीं था कि कोई जाने ना नाम की कोई मूवी भी है, और मुझे बस ऐसा लग रहा था कि हरफन मौला बस एक एल्बम है। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि ये गाना एक मूवी का है, और ये गाना मुझे अच्छा लगा है। मतलब स्टार्टिंग में ये मुझे एक डिसेंट गाना लग रहा था, लेकिन जैसे ही विशाल डाडलानी का पार्ट चालू होता है वहां से ये गाना बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग लगने लगता है। मतलब वहां से एक पूरा समा सेट हो जाता है और हमें लगने लगता है कि वाह क्या गाना है। और उसके ऊपर से तनिष्क बाक्षी का म्यूजिक, मतलब जब भी वो किसी गाने को रिक्रिएट करते हैं तब मुझे उनसे काफी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन जब भी वो कोई ओरिजिनल गाना बनाते हैं तब वो कमाल का ही बनाते हैं। और ये बात आप लव यात्री की पूरी एल्बम सुन के समझ सकते हो। मतलब उस मूवी के सारे गाने काफी ज्यादा अच्छे थे, और जहाँ तक बात है इस गाने के लिरिक्स की तो वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग साउंड करते हैं। और जहाँ तक बात है ज़ारा खान की तो उनकी आवाज कमाल की है, मतलब सच में यार बहुत ज्यादा अच्छी है। और विशाल डाडलानी तो कमाल के हैं ही, और मेरे ख्याल से उन्हीं के कारण ये गाना इतना कमाल का बना है। और जहाँ तक बात है वीडियो की तो टी सीरीज ने काफी ज्यादा पैसे खर्च करके इस वीडियो को बनाया है, और ये चीज हमें वीडियो में देखने को भी मिलती है। और एली अब्राम तो क्या कमाल की दिख रही है इस गाने में। और जहाँ तक बात है आमिर खान की तो वो कितने अच्छे एक्टर है इस पर तो किसी को डाउट है ही नहीं, और ये बात हमें इस गाने में भी देखने को मिलती है। मतलब जो उनका एटीट्यूड था एंट्री के टाइम उसे उन्होंने पूरे गाने में कैरी करके रखा है। और एली अब्राम और आमिर खान की जोड़ी भी कमाल की लग रही है, और इन दोनों की कोरियोग्राफी भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो ओवरऑल मुझे तो ये गाना काफी ज्यादा अच्छा लगा है, और ये गाना कोई जाने ना मूवी के लिए पूरी तरह से माहौल सेट कर देगा। और अगर आपने ये गाना सुन लिया हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये गाना कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या शिकायत करनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।